Assalamualaikum viewers, welcome to Ashma's Kitchen। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिर्ची के अचार की ऐसी रेसिपी जो झटपट तैयार हो जाती है, अभी बनाएं और अभी खाएं। तो ऐसी ही रेसिपी हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि मिर्ची का अचार हम सभी को बहुत पसंद होता है, तो इसके लिए हमने ली हुई है यहाँ पर 250 ग्राम मोटी मिर्ची, जिसे हमने इस तरह से कट कर लिया है। और इसी तरह से हमें इसे कट करना है, और कोई बड़े बड़े पीसेस में हमें इसे कट नहीं करना है, क्योंकि हमें इंस्टेंट बनाना है और इंस्टेंट खाना है। और मिर्ची हमारी कट हो चुकी है, बस अब कट करने के बाद हमें एक पैन ले लेना है, उसमें डालना है 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 7-8 खड़ी मिर्ची और थोड़ी सी हींग, और हमें इसको बस रोस्ट कर लेना है बहुत ही कम मसालों के साथ। बेहतरीन अचार की रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ऐसे ही ये मसाले जब भुन चुके हैं तो हमने लास्ट में इसमें डाल दिए 2 चम्मच राई। और ये लीजिए, हो गए इसके मसाले कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि मसाले इतने कम हैं और टेस्टी अचार बनकर तैयार होगा। और सरसों का तेल हमने पैन में गर्म होने रख दिया है, और ये मसाले हमारे ठंडे हो गए थे, और अब हमने इनको जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लेना है। और बस इन्हीं मसालों को हमें इस मिर्ची पर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। और डाल देना है इसमें 2 टेबलस्पून सिरका, इससे बहुत लाजवाब टेस्ट आने वाला है, तो सिरके को स्किप ना करें, इसको ज़रूर डालें। तो कोई भी आप सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंथेटिक सिरका सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा इसमें। और अब इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, और इसमें अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 2 चम्मच करीब इसमें नमक लग जाएगा, और बाकी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और नमक डालने के बाद भी हमें इससे अच्छी तरह से मिला लेना है। और जब हमने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, अब हमारा तेल हमने गरम करने रख दिया था, वो भी गरम हो चुका होगा। तो अब इस पॉइंट पर हम इसमें डाल देंगे ऑयल जो हमने गरम करने रख दिया था। तो जैसे ही हम ऑयल डालेंगे, और बस ये मिर्ची के अचार की रेसिपी हो गई कंप्लीट। है ना बिल्कुल अमेजिंग, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली परफेक्ट मिर्ची के अचार का टेस्ट देने वाली ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आप बनाते हैं इसको बहुत ही आसानी से, मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो जाती है, तो बनाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।